हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस। और ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम ढेर सारे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के फिगर को सीखेंगे, और वो भी बिल्कुल कम समय में, जिससे कि आप सभी का एग्जाम में समय का बचत हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपको काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको बेसिक चीज को देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक ट्रायंगल, फिर दो, फिर तीन, और ये एक, चार। कितने हुए टोटल? चार हमको ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना फिगर में, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है हमको, उसको मिला के काउंट कीजिए तो एक हो जाएगा। तो चार प्लस एक टोटल, ये तो हुआ कितना आपको, चार। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा ट्रायंगल, वो ट्रायंगल एक। टोटल यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको, टोटल हो गए पांच ट्रायंगल। ठीक है, इस फिगर में चार प्लस बड़ा वाला एक, टोटल कितने, टोटल इस फिगर में पांच ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, ये जो फिगर आपको इसमें दिख रहा है, इस फिगर में फिगर दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसका जो पार्ट है, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, इस बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर पैक है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेम उसी प्रकार से काउंट करेंगे। कैसे, तो देखिए, पहला ट्रायंगल एक, दो, तीन, चार, टोटल कितने ट्रायंगल हुए, टोटल हो गए चार ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये जो है एक, ये क्या है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो चार और प्लस कितना, एक। ठीक है, तो फिर प्लस कीजिए। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल, फिर दो ट्रायंगल, फिर तीन ट्रायंगल, एक, दो, तीन, और ये जो एक है, ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। तो तीन और एक कितने होंगे, चार। अब यहाँ पे टोटल कितने होंगे, चार, और इसमें ऐड कर दीजिए, चार चार आठ और एक नौ। यानी ये सेकंड फिगर है, इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो नौ ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, यहां तक आप अच्छा से समझ गए। अब चलिए एक और ट्रायंगल को, एक और फिगर को हम लोग देखते हैं कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग कैसे इसको देखेंगे, तो देखिए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर जो है आपको, ये फिगर सबसे पहले बना कैसे है, सबसे पहले इस चीज को सीखते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो फिगर है, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे यहां से एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, फिर सेम उसी प्रकार एक और यहां से हुआ है, और सेम इसी प्रकार एक और यहाँ पे ऐड हुआ है, तब जाके ये एक फिगर का, जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है, तब जाके इससे ये फिगर का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए, इस फिगर में जब ये लाइन नहीं था, जब यहाँ पे लाइन नहीं था तब यहाँ पे कितना ट्रायंगल बन रहे थे, पिछले क्वेश्चन में जब ये लाइन नहीं था तब जाके यहाँ पे इस फिगर में नौ ट्रायंगल बने थे। ठीक है, जब यहाँ पे लाइन एक और यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ से एक है, फिर एक क्रॉस, सेकंड क्रॉस, और ये थर्ड क्रॉस। अब देखिए, सेम दोनों बगल वाला फिगर बन गया ना, अब दोनों फिगर क्या हुआ, सेम हो गया। तो इसमें ऐड हमको कितना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, तो देखिए, एक ट्रायंगल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यानी नौ में हमको छह और ट्रायंगल ऐड करना पड़ेगा। नौ और प्लस छह कितना होता है, तो सत्रह। यानी ये फिगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, इस फिगर में टोटल पंद्रह नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 15 बनेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप लोग तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, इस क्वेश्चन में काउंट करना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो कैसे काउंट कीजिएगा, अगर आप जेन्युइन तरीके से काउंट कीजिएगा तब एग्जाम में आपका टाइम बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए कैसे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको नंबरिंग करते हैं। ठीक है, एक, तीन, चार, इस स्क्वायर के अंदर आपको बताना है कि टोटल
नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। और नंबरिंग करने के बाद टोटल नंबरिंग कितना हुआ है, तो टोटल नंबर हुआ है 4, ठीक है। टोटल कितना नंबर हुआ है, टोटल नंबर हुआ है 4। उसके बाद इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ये तो हुआ आपका ट्रिक, ये क्या हुआ आपका ट्रिक। तो 4 × 8 यानी इस स्क्वायर में टोटल 8 ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका ट्रिक्स। और बेसिक कैसे इसको देखिएगा, तो देखिए बेसिक देखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसमें जो नंबरिंग किए हैं सबसे पहले 1, 2, 3, 4, ये तो आपको 4 ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 ट्रायंगल हो गया। ये है बेसिक तरीका, ठीक है, 4 प्लस। अब देखिए उसके बाद एक ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल ये है, तो 4 और 1, 5 है ना, 4 प्लस 1। फिर देखिए फिर ये भी तो एक ट्रायंगल है ना, ये भी एक ट्रायंगल हुआ, कितने हुए, एक और ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ से भी तो एक और ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये एक और ट्रायंगल ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से एक और ट्रायंगल। तो इस प्रकार इसका अगर बेसिक सॉल्व कीजिएगा, तब बेसिक से अगर निकालिएगा तब जाके इसमें कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने संख्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो बेसिक हमको बिल्कुल भी एग्जाम में बनाना नहीं है, वहाँ पे हमको ट्रिक से बनाना है ताकि एग्जाम में मेरा समय बच सके। तो इस स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तो 8 बनेंगे। करना क्या है, सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे, उसके बाद उसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और है, इसमें भी आपको बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नंबरिंग कीजिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब टोटल नंबरिंग किए हैं तो कितना हुआ है, टोटल हुए हैं 8। उसके बाद क्या करेंगे, इसको दोगुना कर देंगे। तो 8 तो नंबरिंग हुआ ही है, इसमें सीधा सा 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16। यानी इस फिगर में टोटल 16 ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन में। तो हमें आशा है कि जितना भी अभी आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के टाइप देखे हैं, उन सभी टाइप को आप आसान तरीके से देख चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, कैसे इसको काउंट कीजिएगा, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हों। तो सीधा सा करना क्या है, बस वही तरीका आपको यूज करना है। सबसे पहले इसको नंबरिंग कीजिए, ठीक है, नंबरिंग कीजिए, 1, 3, 5, 1, 8, कितना हो गए, 8 है ना। और आपको पता करना क्या है, 8 और इसका डबल कितना हो जाएंगे, 8 × 2 = 16 प्लस। अब देखिए अंदर वाला स्क्वायर को निकालिए, अब निकालिए आप लोग अंदर वाला स्क्वायर का, फिर भाई 1, 3, 5, 7 और ये फिर 8 का दुगना, तो 8 × 2 = 16। अब इस जो बड़ा वाला स्क्वायर दिख रहा है, टोटल फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो 32 होंगे। यहां तक आप बिल्कुल आसान तरीके से सीख गए।